मैं कबरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मार्को पोलो टाटा 410 मॉडल के बस का सर्विस के बारे में बताएंगे कि इसमें आपका सर्विस कितने किलोमीटर पे है और क्या क्या चेंज होता है सर्विस में। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए UP54D 4973 का मतलब आपका मऊ डिस्ट्रिक्ट के व्हीकल है। तो इसके सर्विस के बारे में बता रहे हैं आपको। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या चेंज होता है और कितने किलोमीटर पे होता है। तो ये आपके 410 मॉडल के मार्को पोलो बस है जो स्कूल में लगी हुई है। तो इसमें आपके सर्विस में फर्स्ट सर्विस में आपका 20,000 किलोमीटर पे इसका सर्विस होगा। इसका देखिए इसमें मोबिल देखिए वहाँ पर जो दिख रहा है जो मिस्त्री साहब वो कर रहे हैं वो मोबिल फिल्टर है उसका। थोड़ा नज़दीक से देख लीजिए आप लोग, देखिए वही मोबिल फिल्टर है। ये मोबिल फिल्टर वहाँ चेंज रिप्लेस हो रहा है। जो आयल सम्प बगल में जो दिख रहा है ये बोल्ट से लगा हुआ, थोड़ा आयल सम्प पे हाथ रखिएगा मिस्त्री साहब। आयल फिल्टर आयल सम्प वहाँ पे ये चैम्बर पे, हाँ देखिए ये आयल सम्प यहीं से मोबिल गिरता है। ठीक है आप टाइट करिए, हाँ टाइट, ये यहीं से आपका मोबिल इसमें से निकाला जाता है। इसमें 8 लीटर मोबिल पड़ता है। जैसा कि हम बताएं कि इसमें आपका 8 लीटर इंजन ऑयल पड़ेगा, एक मोबिल फिल्टर पड़ेगा, एक डीजल फिल्टर पड़ेगा। तो ये फर्स्ट सर्विस में, और एयर फिल्टर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए इसका एयर फिल्टर का यहाँ पर बॉडी दे रखा है, इसमें एयर फिल्टर दो लगता है, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है, इसी में दोनों अंदर आता है। हम आपको एयर फिल्टर भी दिखाएंगे इसका। तो इसका एयर फिल्टर हम चेंज करेंगे तो आपको एयर फिल्टर भी दिखाएंगे। यहाँ से भी देखिए आपको दिख रहा होगा एयर फिल्टर, वो नीचे ही से बैठ के चेंज होता है। तो इसमें कौन सा एयर फिल्टर लगा रहता है ये भी देख लीजिएगा आप। इसमें आपका दो फिल्टर लगा हुआ है जो मिस्त्री साहब हमारे निकाल रहे हैं, वो सेकेंडरी एयर फिल्टर है जो इसमें पुराना वाला इनका निकला हुआ है, ये सेकेंडरी एयर फिल्टर होता है। ये वाला जो आपके सामने बड़ा जो दिख रहा है इसमें जो रखा गया है ये आपका प्राइमरी एयर फिल्टर होता है। जो बड़ा वाला वो पुराना वाला दिखाइए मिस्त्री साहब इधर। देखिए ये आपका प्राइमरी एयर फिल्टर होता है और जो छोटा वाला है सेकेंडरी एयर फिल्टर होता है। ये इसी में पड़ता है, ऐसे दोनों का ये एयर फिल्टर ऐसे पड़ता है। ये देखिए जो डब्बा मिस्त्री साहब खोले यहाँ पर लगा रहे होंगे, देखिएगा दिखेगा, देखिए देखिए ये आपका सेकेंडरी एयर फिल्टर लग रहा है जो चकनट पर टाइट रहता है। तो पहले ये छोटा वाला टाइट हो जाता है उसके बाद इसमें बड़ा वाला को टाइट किया जाता है, पहले एक को वो सही कर लिया जाए। देखिए ये प्राइमरी में ये वाशर दिया रहता है रबड़ का, इसी को लगा के टाइट करना पड़ता है। ये वाशर है आप लगाइए मिस्त्री साहब, उसके बाद वाशर लगाइएगा। देखिए वाशर लगा के ऐसा चकनट होता है, हाथ उठाइए तो ये चकनट होता है वही टाइट होता है, टाइट करिए। अब ये टाइट हो जाएगा तो इसके बाद से इसका कवर जो भी उसका कवर ये है, देखिए आप ये कवर है, ये कवर लगा के लॉक से ऐसे बंद हो जाता है। तो आपको दिखाया जाएगा ये भी। कवर लगा कर लॉक कर दिया जाता है। देखिए आपका हम लोग ये बोनेट खोल दिए हैं इसका, यहाँ से इसका आपका आयल कैप जो है यहाँ से आयल फिलर कैप है, यहीं से मोबिल डाला जाएगा। ये इनका डीजल फिल्टर चेंज हुआ है जिसका ये देखिए इनका क्लच है, ये क्लच है पावर वाला है। तो ये आपका डीजल फिल्टर है, यहाँ से ये चेंज होता है, ये जो पंप ये खोलना पड़ता है। ठीक है तो ये चेंज हो जाएगा ये भी यहाँ से। तो अब इसमें हम लोग मोबिल डालेंगे, 8 लीटर मोबिल पड़ेगा। ये आपका देखिए ये बस का इंजन है पूरा,
410 बस का ये इंजन है आपका। तब मोबिल लाइए मिस्त्री साहब, डालिए पहले एथुआ खोल लो। देखिए उस ढक्कन को खोलना पड़ता है, थोड़ा ये टाइट रहता है, छोटी गाड़ियों की तरह नहीं होता है। देखिए ये 8 लीटर मोबिल आ चुका है, ये 5 लीटर का केन है, ये 2 लीटर का, ये 1 लीटर का, तो आपका ये तीनों मिला के 8 लीटर हो गया है। अभी ये 8 लीटर इसमें आपको डाला जाएगा, वो कीप लगा दिया गया है। देखिए पहले 1 लीटर से मिस्त्री साहब डाल रहे हैं 1 लीटर का केप। अब ये 2 लीटर वाला आपका डाला जा रहा है, अब 5 लीटर वाला डाला जाएगा इसमें। 2 लीटर वाला भी डाल लिया गया, अब 5 लीटर वाला देखिए डाल रहे हैं हमारे मिस्त्री साहब। इसमें CI4 इंजन ऑयल पड़ता है 15W40। ऑयल फिलर कैप जो है उसको पोंछ कर टाइट कर देंगे हम लोग। टाइट हो जाए थोड़ा, उससे प्लास से भी उसको टाइट कर दिया जाएगा, ज़्यादा टाइट नहीं किया जाता है, नहीं तो मिस हो जाएगा। प्लास्टिक आइटम होती है, टूट भी सकता है। तो इस तरह इस गाड़ी का आपका फर्स्ट फ्री सर्विस हो गया है बस का। अब इसका बोनेट गिरा के इसको लॉक कर देंगे हम लोग। देखिए ये बोनेट गिर गया और यहाँ पर ये लॉक वाला आइटम रहता है, बस लॉक कर देंगे। तो ओके फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो ओके, जय हिंद।